चैप्टर स्टार्ट है पीरियोडिक मोशन से। देखो जो पीरियोडिक मोशन है वो एक ऐसी मोशन है, कोई भी बॉडी अगर हम बोलें कि पीरियोडिक मोशन में है तो वो अपने एक प्रोसेस को अपने आप को रिपीट करेगी आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैं उस दीवार को टच करके वापस आता हूँ, टाइम टेकन 2 सेकेंड, मैं फिर जाता हूँ टच करके वापस आता हूँ, टाइम टेकन 2 सेकेंड, मैं फिर जाता हूँ वापस आता हूँ, टाइम टेकन 2 सेकेंड, तो मेरा जो मोशन है वो किस में होगा? पीरियोडिक मोशन में। तो मैं पीरियोडिक मोशन में हूँ क्योंकि हर चक्कर मैं कितने समय में पूरा कर रहा हूँ? 2 सेकेंड में। तो ये कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। अर्थ का सन के आसपास घूमना इज अ पीरियोडिक मोशन। 365 डेज में पूरा चक्कर काट लेती है तो फिर दूसरा चक्कर भी उतने समय में काटती है, इट्स अ पीरियोडिक मोशन। सपोज करो एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम यहां से चला, यहां पर आया, फिर वापस आ गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया। यहां से स्टार्ट होके वापस आना एक चक्कर पूरा हो गया, यहां से स्टार्ट होके वापस आना एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर आना और जाना 2 सेकंड में, आना जाना 2 सेकंड में, आना जाना 2 सेकंड में, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है यहां तक? तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। आप कोई मर्जी एग्जांपल ले लो, आप चल रहे हैं एक रास्ता कवर कर रहे हैं इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिक मोशन है। कोई मर्जी एग्जांपल ले लो जो फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करती है, इज अ पीरियोडिक मोशन। तो ये पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा, अब पीरियोडिक मोशन के अंदर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने अर्थ का एग्जांपल लिया, अर्थ गोल घूम रही है, वहीं से स्टार्ट हो गए वापस वहीं पर आ रही है, वहीं से स्टार्ट हो गए वापस वहीं पर आ रही है। लेकिन पेंडुलम ऐसा नहीं घूम रहा। पेंडुलम कैसे है? पेंडुलम इसकी ये जो इसकी पोजीशन है वो मीन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो पेंडुलम मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, तो पेंडुलम मीन और एक्सट्रीम में घूमता जा रहा है, दो पोजीशन में घूमता जा रहा है। तो पेंडुलम दो पोजीशन में घूमता जा रहा है। तो जब कोई पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक मोशन में है, ऐसा नहीं कि नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक मोशन में ही है, हर चक्कर अपने फिक्स टाइम में पूरा कर रहा है। पर अगर पेंडुलम जैसे एग्जांपल जिसमें दो पोजीशन में मीन और एक्सट्रीम के बीच में पार्टिकल मूव करता है और है पीरियोडिक मोशन लेकिन दो पोजीशन के बीच में मूव करता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। हम बोलते हैं वो ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेट जब वहां पर वर्ड आता है, वहां पर दो पोजीशंस होती हैं ए और बी, तो दो पोजीशन के बीच में मूव करना पीरियोडिकली इज ऑसिलेटरी मोशन। तो पीरियोडिक मोशन मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो दो पोजीशन के बीच में ही हो, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हमेशा दो पोजीशन के बीच में रहता है। ठीक, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। अब पीरियोडिक मोशन के अंदर बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज करो मैं यहां से फिर जाता हूं, वही सेम एग्जांपल, वापस आता हूं 2 सेकंड, मैं दीवार को टच करके वापस आता हूं 2 सेकंड, फिर जाता हूं फिर आता हूं 2 सेकंड, तो बताओ मेरा चौथा चक्कर कितने टाइम में पूरा होगा अगर मैं ऐसे ही मूव करता जाऊं? अब हो गए 2 सेकंड, क्योंकि पहला चक्कर 2 सेकंड, दूसरा 2 सेकंड, तीसरा 2 सेकंड, और मैं बोल रहा हूं कि मैं पीरियोडिक मोशन में मूव कर रहा हूं, तो चौथा चक्कर भी 2 सेकंड में। लेकिन इमेजिन करो मैं एक नॉन पीरियोडिक मोशन मूव करता हूं, पहला चक्कर 2 सेकंड में, दूसरा चक्कर 10 सेकंड में, तीसरा चक्कर 1 घंटे में, तो बोलो चौथा चक्कर कितने में? आपको मुझे क्या पता, क्योंकि आप नॉन पीरियोडिक मोशन हो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा चौथे या पांचवें चक्कर में। पर पीरियोडिक मोशन में मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि मैं एग्जैक्टली कहां पे होऊंगा। पीरियोडिक मोशन में प्रिडिक्ट हो सकता है कि चौथा पांचवा छठवां चक्कर कितने समय में पूरा होगा, क्योंकि टाइम टेकन तो सेम है। तो हम जो स्टडी करते हैं फिजिक्स में वो पीरियोडिक मोशन स्टडी करते हैं, हम नॉन पीरियोडिक मोशन स्टडी ही नहीं करते, क्योंकि नॉन पीरियोडिक मोशन स्टडी कर ही नहीं सकते, क्योंकि नॉन पीरियोडिक मोशन में पता ही नहीं आगे क्या होगा। पीरियोडिक मोशन में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा, इसलिए हम क्या स्टडी करते हैं? पीरियोडिक मोशंस। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड अ पीरियोडिक या फिर हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन इज अगेन ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक मोशन। और एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया अर्थ का 235 डेज, या किसी प्लैनेट का 235 डेज में चक्कर पूरा करता है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज अ पीरियोडिक, कि एक पेंडुलम की तरह क्लॉक मूव करता है टू एंड फ्रो, मीन एक्सट्रीम, तो एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट इट्स मीन पोजिशन, तो मीन पोजिशन के इधर जाना, एक्सट्रीम पे आना, फिर मीन पे आना, एक्सट्रीम पे जाना, मीन पे आना, एक्सट्रीम पे जाना, तो ऐसे केस में इट्स मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन, या कभी कभी क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ वाइब्रेटरी मोशन,
क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है दो पोजीशन के बीच में, और क्योंकि पीरियोडिक तो है ही है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कौन सा मोशन है, हार्मोनिक मोशन, कोई भी बोल सकते। पर हाँ, चाहे हार्मोनिक हो चाहे वाइब्रेटरी हो चाहे ऑसिलेटरी हो, पीरियोडिक तो ये पक्का होगी ही होगी। हम इस चैप्टर में जितने मोशंस करेंगे वो पीरियोडिक तो होंगे ही होंगे। तो एग्जांपल्स हैं स्विंगिंग मोशन ऑफ अ पेंडुलम वॉल क्लॉक, जैसे पेंडुलम है तो पेंडुलम क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेशन ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, तो कहते हैं काम कर लो एक स्प्रिंग ले लो, ये स्प्रिंग है और नीचे एक मास ले लो, आप इसे नीचे खींच दो फिर ये नीचे खींच छोड़ दो तो ये ऊपर आएगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो ये इसकी कौन सी पोजिशन है, मीन, और ये इनकी कौन सी पोजिशन है, एक्सट्रीम, तो ये भी कौन सी मोशन है, ये भी जो है ऑसिलेटरी मोशन है या फिर वाइब्रेटरी मोशन है या फिर जो है हार्मोनिक मोशन है। ठीक, तो क्या डिफरेंस है पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन का। पहला डिफरेंस, एवरी ऑसिलेटरी मोशन, कोई भी ऑसिलेशंस हैं पेंडुलम है दो पोजीशन के बीच में जब मूव करेगा पार्टिकल वो पीरियोडिक तो पक्का होगी ही होगी, लेकिन सारी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगी। जैसे अर्थ का घूमना इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन बट इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक, दूसरा, पीरियोडिक हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक फंक्शंस क्या हैं इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, एनी फंक्शन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन। बता दिया मैंने कि कोई भी रिपीट करेगा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इट्स अ पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, देखो पीरियोडिक फंक्शंस का एग्जांपल लेते हैं मैथ्स से। तो मैथ्स के अंदर आपने सुना होगा कि जैसे मैंने एक वैल्यू ली, एक फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, एक फॉर्मूला है, मेडिकल के लोग समझ लें, फंक्शन एक फॉर्मूला है जो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहता है। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसे समझ लें। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा एक मैंने फॉर्मूला ले लिया या फंक्शन ले लिया। अब किसी ने कहा सर आप एंगल पुट करो, मैंने कहा ठीक है थीटा को जीरो पुट करते हैं, हम 30 पुट करते हैं, हम 60 पुट करते हैं, 90 पुट करते हैं, 120, 150 करते 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 180 करते 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 270 करते 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 360। तो मैंने वैल्यू पूछी तो साइन जीरो तो जीरो होता है, फिर 0.5 होगा, करते 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 वैल्यू 1 भी होगी, मैक्सिमम हो जाएगी 1, 1 के ऊपर तो हो नहीं सकती। अगर आप एंगल साइन 90 लेंगे तो 1 है, साइन 90 के ऊपर एंगल लेंगे तो सबको पता है 1 पॉइंट समथिंग तो हो नहीं सकती, वैल्यू डिक्रीज होती है 0.8 0.5 करते करते वापस क्या हो जाएगी जीरो। आप एंगल और बढ़ाएंगे अगर तो आप देखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव वाली स्टार्ट हो जाती है, करते 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 क्या आ जाएगी -1। आप एंगल और बढ़ाएंगे तो माइनस के वन के बाद क्या आएगी, डिक्रीज होनी, -0.8 करते करते क्या हो जाएगी वापस जीरो। फिर और एंगल बढ़ाएंगे तो 0.1 0.5 करते करते इंक्रीज, इसके बाद तो वैल्यूज फिर से क्या हो जाएंगी रिपीट। तो कहां से स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया था, जीरो से स्टार्ट किया, पॉजिटिव वैल्यूज 1 के बाद क्या आया जीरो, मतलब जीरो से स्टार्ट किया था तो क्या आया था 1 के बाद क्या आया जीरो, जीरो के बाद क्या आया -1 के बाद क्या आया वापस जीरो। हमने कहा एक चक्कर पूरा हो गया, क्योंकि इसके बाद अगर आप एंगल इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी जीरो से 1, फिर और एंगल बढ़ाते जाएं तो 1 के बाद जीरो के बाद -1 के बाद फिर से जीरो। तो हम ये मैथ्स में बोल सकते हैं कि हमारा साइन थीटा जो होता है इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि एंगल बढ़ाते रहो साइन थीटा की वैल्यूज एक सेट ऑफ वैल्यूज देंगी, उसके बाद ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी फिर से रिपीट होंगी। आप एंगल और बढ़ाओगे ये फिर रिपीट होगी, और बढ़ाओगे ये रिपीट होगी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, पैटर्न वही रहेगा, जीरो से वैल्यू बढ़ती हुई 1 होगी, फिर जीरो होगी, -1 होगी, जीरो होगी, और ये पैटर्न चलता रहेगा। सिमिलरली विद कॉस थीटा ऑल्सो, अगर आप कोई फॉर्मूला कॉस थीटा का लें, आप एंगल को इंक्रीज करें, जैसे थीटा जीरो पे कॉस जीरो क्या होता है 1, फिर वैल्यू डिक्रीज होती है एंगल बढ़ने पे 0.9 0.5, फिर जीरो होती है, फिर -1 एंड सो ऑन। तो ये भी सेट ऑफ वैल्यूज कुछ ऐसी हैं कॉस थीटा की भी जो अपने आप को क्या करती हैं रिपीट करती हैं।
तो मैथ्स में सिंपल एक चीज कही जाती है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पीरियोडिक फंक्शंस। टैन थीटा इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। आप एंगल अगर बढ़ाएंगे तो टैन थीटा बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही इन्फिनिटी पर वैल्यू पहुंच जाती है, रिपीट नहीं होती इसमें, बढ़ती जाती है, जितनी मर्जी लो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो टैन थीटा पीरियोडिक नहीं है, सिर्फ दो ही फंक्शन पीरियोडिक है, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। क्लियर है? तो कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे साइन थीटा या कॉस थीटा जिसमें जो कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करते जाते हैं एंगल्स की वेरिएबल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, पीरियोडिक वेरिएबल्स हैं। क्लियर है यहां तक? तो ऑनलाइन भी क्लियर है यहां तक? ठीक। अब पीरियोडिक फंक्शंस विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन या कोसाइन कर्व, साइन या कॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, या स्पेशल नाम दिया गया हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक जहां वर्ड आ जाएगा वहां तो पक्का साइन और कॉस यूज होगा ही होगा। तो क्या होगा कि ये ऐसे पीरियोडिक फंक्शन जिसमें साइन या कॉस इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब वो कौन सी मोशन है, हार्मोनिक मोशन है या हार्मोनिक फंक्शंस है। हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, ऑल हार्मोनिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, पक्का सारे हार्मोनिक फंक्शन पीरियोडिक तो पक्का है ही है। हार्मोनिक फंक्शन का बेस्ट फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये फंक्शन तो पीरियोडिक है ही है, तो ये पीरियोडिक तो है, लेकिन सारे पीरियोडिक फंक्शन हार्मोनिक होंगे ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी बात को बताने के लिए मुझे साइन कॉस लगाना पड़े इक्वेशन में। अर्थ का ग्राउंड घूमना इज अ पीरियोडिक मोशन, पर साइन कॉस शायद बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। तो साइन कॉस जिसमें आ जाता है वो हार्मोनिक है, पीरियोडिक तो है ही है, लेकिन सारे पीरियोडिक हार्मोनिक होंगे, मतलब उनमें साइन कॉस आएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है यहां तक? अब इसमें पीरियोडिक फंक्शन विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन, सिंगल साइन या कॉस, तो ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसे कोई फंक्शन जिसमें साइन या कॉस से रिप्रेजेंट नहीं हो सकता फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉन हार्मोनिक फंक्शन। तो नॉन हार्मोनिक फंक्शन का मतलब है कि जो जिसमें साइन कॉस नहीं आता वो नॉन हार्मोनिक। पर जिनमें साइन कॉस नहीं आता तो क्या वो जरूरी है कि वो नॉन पीरियोडिक होंगे? नहीं, वो पीरियोडिक हो सकते हैं, बस उनमें साइन कॉस नहीं आता। हम एक काम करते हैं, ये सारी बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करो ये ग्राफ साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल के लोग समझ लें, साइन थीटा का ग्राफ हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और कॉस थीटा का ग्राफ हमेशा वन से स्टार्ट होता है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें जीरो से टी टाइम तक, ये पैटर्न अपने आप को फिर से क्या कर रहा है, रिपीट। देखो जीरो से टी, टी से टू टी, ये पैटर्न क्या कर रहा है, रिपीट। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक है और ये हार्मोनिक भी है। ऐसा क्यों? देखो पीरियोडिक इसलिए क्योंकि जीरो से टी अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं, और हार्मोनिक इसलिए क्योंकि ग्राफ किसको, कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा। जैसे ये ग्राफ है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, तो पीरियोडिक इसलिए क्योंकि ये पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को चेंज कर रहा है। हार्मोनिक इसलिए क्योंकि किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों के दोनों पीरियोडिक भी हैं, दोनों पीरियोडिक भी हैं और साथ में हार्मोनिक भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये कर्व अपने आप को टी टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो ये पीरियोडिक तो है पर ये साइन और कॉस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये हार्मोनिक नहीं है। पीरियोडिक तो है पर हार्मोनिक नहीं है, सही है? जैसे ये ग्राफ है, अब ये तो बिल्कुल भी साइन या कॉस नहीं है, ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, तो ये पीरियोडिक तो है पर ये हार्मोनिक नहीं है क्योंकि इसमें साइन कॉस नहीं आ रहा। जैसे ये हल्का सा टूटा हुआ ग्राफ है ना, कर्व्ड है थोड़ा, तो ये साइन तो देखने में साइन लगता है पर ये साइन नहीं है, हिला हुआ ग्राफ थोड़ा है ना, थोड़ा सा वैल्यूज चेंज हो रही है, तो ये पीरियोडिक तो है पर ये हार्मोनिक नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे चेक करना है हार्मोनिक है या पीरियोडिक तो होते ही है सारे, हार्मोनिक है या नहीं वो साइन या कॉस ही चेक करवाएगा। जैसे मैथमेटिकल आएगा, सपोज इनमें से ये बताओ देखते हुए इस फंक्शन को,
क्या ये पीरियोडिक है या ये नॉन पीरियोडिक है? क्वेश्चन ये है, पीरियोडिक है या ये नॉन पीरियोडिक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर ये अकेला साइन होता, साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा इज सम कांस्टेंट, ओमेगा टी एंगल है कोई भी, अगर ये साइन होता अकेला, हाँ ये पीरियोडिक है, या नहीं? अगर ये अकेला कॉस होता, हाँ तब भी ये पीरियोडिक है, क्योंकि साइन या कॉस अकेले के लिए आएंगे सिंगल फंक्शन, फिर तो पक्का पीरियोडिक है ही है। पर अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं इन्हें, तो क्या ये पीरियोडिक है? तो मैप्स का रूल ये बोलता है कि अगर मैं इनको सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में कन्वर्ट कर दूं मॉडिफाई करके, अभी तो साइन और कॉस दोनों में चल रहे हैं, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके अकेले साइन में कन्वर्ट कर दूं, हाँ ये पीरियोडिक है, या अकेले कॉस में कर दूं, हाँ ये पीरियोडिक है। तो जैसे मैथ्स में लोग करते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं है मेडिकल वालों को, वैसे बता रहा हूँ, रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/√2 को लिख लो कॉस ऑफ 45 का मतलब कॉस ऑफ पाई बाई फोर, यहाँ भी और यहाँ भी लिख लो, इसको लिख लो साइन ऑफ पाई बाई फोर। मैथ्स का फॉर्मूला लगा लो, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, जो कि मैथ्स में होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। अब आपने इसको मॉडिफाई करके किस में बना दिया, सिर्फ साइन में बना दिया, हाँ अब ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, चेक हो गया। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार कि क्या मैथ्स लगा के चेक करना पड़ेगा? नहीं, चेक नहीं करना पड़ेगा, हम शॉर्टकट याद करेंगे। अकेला कॉस आ गया पीरियोडिक है, अकेला साइन आ गया पीरियोडिक है, अगर साइन और कॉस ऐड होके आ गए तो भी पीरियोडिक है। हमने करके देख लिया, हमें कोई करवाएगा नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है, हमें कोई करवाएगा नहीं, बट आपको ये याद रहेगा रिजल्ट, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन भी पीरियोडिक है। जैसे क्वेश्चन आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, एंगल चेंज कर दिए, जैसे ये ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी 4 ओमेगा टी, अब पूछ रहे क्या ये पीरियोडिक है? हाँ, अभी हमने सीखा ना रिजल्ट, अगर साइन कॉस का कॉम्बिनेशन भी आ जाता कोई बात नहीं, एंगल जो मर्जी हो, तो ये पीरियोडिक के पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, और 3 पीरियोडिक का सम अगेन पीरियोडिक ही है। तो एक आंसर तो आ गया, लेकिन आपने देखा होगा कि साथ में मैं लिख रहा हूं कि इनका टाइम पीरियड क्या है। अब ये टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर कितनी देर में काटा जा सकता है, वो टाइम पीरियड है। एक साइकिल सेट ऑफ वैल्यूज कितनी देर में रिपीट होंगी, उसका टाइम पीरियड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूं, आपने ये सर्कुलर मोशन में किया भी हुआ है, वो क्या कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा का और टाइम पीरियड का रिजल्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ये रिजल्ट है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनता है? 2π/ओमेगा। तो क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको एक वैल्यू देता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी, अब ओमेगा टी में साफ पता लग रहा है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, ओमेगा दिख रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, कैपिटल टी क्या होगा? बोल दो सीधा, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, दिस इज द आंसर। सपोज अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नहीं है, अब कितनी है, 2 ओमेगा, तो अगर मैं पूछूं टाइम पीरियड कितना है, तो आंसर कई लोग सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो अगर ओमेगा डबल करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, T/2। ये ओमेगा अगर डबल करोगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर आप इनटू 2 करोगे ओमेगा, टाइम पीरियड डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नहीं तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, मान लो दिस इज ओमेगा डैश, मान लो ओमेगा डैश इज इक्वल टू कितना, 2 ओमेगा। ऐसा कर लो, ओमेगा को लिखो 2π/T और ओमेगा डैश को लिखो 2π/T-, तो ये कैंसिल हो गया, टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, T/2। बस ये रिजल्ट ज्यादा बेटर नहीं था कि अगर ओमेगा डबल हो जाता है तो टाइम पीरियड हाफ हो जाता है। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड कैन भी कैलकुलेटेड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड। अच्छा बताओ, अगर यहां पर होता वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 ओमेगा टी 3 times, तो टाइम पीरियड क्या होता, ओमेगा अगर 3 गुना ज्यादा हो गया, 3 times हो गया, तो टाइम पीरियड 1/3 हो गया, T/3 हो गया। क्लियर है यहां तक? तो आपका क्वेश्चन यही तो है। ये देखो, वो कह रहे हैं 3 functions हैं ये रे, ये क्या पूरा पूरी की पूरी इक्वेशन पीरियोडिक है? हाँ ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। तो इस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ओमेगा, सिंपल, ये आ गया।
इसका क्या होगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है 2 ओमेगा तो टाइम पीरियड सीधा लिखो कितना, टी बाई टू। अगर ये 4 ओमेगा तो टाइम पीरियड कितना, टी बाई फोर। तो सीधा टाइम पीरियड की वैल्यूज भी कैन बी कैलकुलेटेड। अब जैसे क्वेश्चन है ई एक्सपोनेंट रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, क्या ये पीरियोडिक है, क्या आपको कहीं से दिख रहे, टाइम को बढ़ाओगे अगर ई की पावर वैल्यू तो इंक्रीज ही होती जाएगी, तो इसमें कोई साइन कॉस तो आ नहीं रहा, कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं, तो इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ये नॉन पीरियोडिक है। जैसे लॉग का कोई इक्वेशन आ गया, अब लॉग में क्या होता है, टाइम को बढ़ाते जाओ वैल्यू, ये बढ़ता जाएगा, लॉग ऑफ वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि ये कौन सा अपनी वैल्यू को लॉग क्या करता है, रिपीट तो करता नहीं, तो ये नॉन पीरियोडिक है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?